तो गाइज अब भाई भाई की सीबीआर लेके जा रहा हूँ एक राउंड पे यहाँ से और फुल रिव्यू देते हैं। ये लो भाई मेरी चाबी पकड़ो, मेरी अमानत, अब आपकी अमानत हम चलाएं जरा। आज तो भाई सीबीआर का रिव्यू देते हैं। भाई ने भी अल्फा H1 लगा चुके हैं, पूरे H1। अभी भाई बोल रहा था मैंने 160 भगाई है, मैंने बोला यहाँ नहीं भगा सकते भाई यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। एक राउंड मार के आता, देखते भाई क्या है, मजा है इसमें और क्या नहीं है। कोई कमी लगे तो बताना भाई। तुम्हारे भी 2018 मॉडल है ना? 2011। तब तो ये बैंक BS3 के अंदर भी नहीं आएगी। हाँ कौन सेट भी डलवाना है? सब डल जाएगा भाई, पुरानी गाड़ी लेके आ गए, भयंकर लेजेंड गाड़ी। आज इसे चलाते हैं भाई, इसकी फुल रिव्यू लेते हैं, मजे लेते हैं। ओरे भाई साहब कते अलग ही मजे, ये ज्यादा बड़े लगा लिए। ओरे भयंकर, ये तो पूरी फुल लीन वाली वो दे रही है भाई भाई बैठते ही अलग लग रहा, पूरा सिस्टम ही अलग है इसका तो। चलो भाई, ओ भाई वो लिटरली आज चेक करते हैं भाई, मतलब क्या पावर है भाई, बूस्ट अप भाई ने ये भी ऐसे लगा रखे। गाइस आवाज सुन रहे हो, क्या आवाज है यार इसकी, साउंड में भी ना एक स्वीटनेस है, एक एक विसल बजती है इसमें। ओ भाई मतलब कुशाल भाई से पहले मैंने रिव्यू कर लिया बाइक का, पीछे का ब्रेक इज इक्वल टू सेम भाई, बट आगे का तो भाई एस फक सीरियसली 50 भाई, फर्स्ट गियर पे 50 लॉक। ओ भाई OMG, यहाँ स्पीड ब्रेकर बहुत है यार, यहाँ टेस्टिंग हो ही नहीं सकती। क्या साउंड है यार, क्या साउंड है साइलेंसर की, मजा आ गया ओ भाई ओ भाई क्या पोजीशन है, और प्यार हो गया कसम से प्यार हो गया भाई। अब मैं जरा एक जो BHP पावर होगी ना या PS पावर, जो इसकी PS पावर मेरे हिसाब से भाई ऑनेस्टली सही बोल रहा हूँ, इसकी PS पावर 24 PS या 26 PS होगी। अब एक हाईवे में भगाता हूँ, क्या मजा आता है, बैलेंसिंग देखते हैं। अभी राइड को डोल रही है, इसका कॉन्सेप्ट का काम मुझे लग रहा है ढंग से नहीं हुआ थोड़ा। हाँ सो 250 के रिव्यू मेरे भाई बहुत सही है भाई, पोजीशन मतलब मैं अगर आपको बोलूँ ना, इसमें पोजीशन इज लुक लाइक आप पूरे डाउन होंगे ना तो चेस्ट पे कम आएगा, छोटे हाइट वालों के लिए सही है बेस्ट, बड़े हाइट्स वालों के लिए थोड़ा सा टैकल है, बट ऑल तो इट्स ओके गुड यार। साउंड मस्त है यार, क्या जा रही है भाई, दूसरी गियर पे तो गोली निकल रही है। गाइस नो डाउट बाइक में कुछ कमी नहीं है, बाइक एवन बना दी भाई ने ठीक है, बट दिक्कत है तो बस एक चीज का है, इसका हैंडलिंग का, इसका कौन सेट जो है ना, वाइब्रेशन तो है ही यार, देख राइट जा रही है, इसका हैंडल इसको सही कराना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी जैसा भाई बोला था। और भाई ने H1 लगा रखे दोनों भाई, पीछे 150/60 का लगा रखा है, WR17 होगा, और आगे में भाई इनका R17 ही है भाई, दोनों 270 स्पीड के लिए बने हुए हैं, 270 टॉप। अब यहाँ पर हम एक बार टॉप भगाते हैं और पहला हाईवे नीचे कट आ गया तो नीचे ले लेंगे। मैंने बोला था ना 80 भाई, 80 ही गई, 80 79 पे टच हो गया था, गजब भाई गजब गाड़ी, गजब भाई स्ट्रीट के लिए ना गजब है। पीछे का ब्रेक थोड़ा कम है और तो आगे का ब्रेक सेक्सी भाई, मतलब गड्ढे तो आपको पता ही नहीं लगेंगे इसमें भाई, ऑनेस्टली क्या गाड़ी है भाई, थर्ड 106 फक भाई
ब्रेक कितनी सेक्सी इसकी यार। ओ भाई मतलब गाड़ी भाई AF भाई, इसको और नहीं भगा सकता मैं, मतलब सीरियसली भाई बहुत बहुत तगड़ी भाई के, बहुत तगड़ी भाई। ओ भाई लिटरली भाई पूरे मजे बात दिए, ब्रेकिंग कितनी अच्छी है यार भाई, आगे डबल पिस्टन पीछे डबल पिस्टन है भाई, इसमें ब्रेकिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। पीछे के थोड़े से कम लगते हैं ब्रेक, पीछे के इसको देखवाना पड़ेगा, बाकी आगे के ब्रेक तो भाई सॉलिड है भाई। और उसके ऐसा लग रहा है इतना सा छोटा सा बच्चा सा यार, भाई क्या मजे आगे, कसम से मजे आगे भाई, फुल पैकेज ले रखा भाई ने, मतलब पैकेज है भाई ये राइड पे जाएगी ना अपने साथ तो भाई कत्लेआम मचा देगी भाई, सीरियसली में क्या गाड़ी लग रही है भाई, क्या गाड़ी है। ओ भाई भाई अभी तक टिल नाउ इसका मैक्स जो है वो 160 है इसका, एंड भाई तीसरे गियर पे 106 टच कर देते हैं, होपफुली चौथे गियर पे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चौथे पांचों गियर में तो काम खत्म कर देगी भाई, काम खत्म कर देगी ऑनेस्टली, मोर देन 160 भागती है, मोर देन 160। अब मामू लोग बैठे हुए हैं, चलान ना काट दे मेरा भाई। एक चीज़ है इसकी हैंडल में इतना कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल, गड्ढे तो पता ही नहीं लग रहे इतने अच्छे इसके शॉकर से यार, शॉकर वाइज A1। अभी मैं फुल डिटेल दूंगा आपको ना पहुंच के वहां पे, पूरा गाड़ी का ऑल ओवर बताऊंगा डिटेल्स क्या है, क्या एग्जैक्ट पावर्स है, क्या एग्जैक्ट चीजें है, कितनी पुरानी गाड़ी है, कितने में भाई ने ली है बाइक, क्लच का थोड़ा सा इसको क्लच की पावर जो है ना बहुत उसने आगे कर रखी है, क्लच की पावर पहले ही रहनी चाहिए, नहीं ना है ना वो नहीं है, क्लच की पावर जो होनी चाहिए वो नहीं है एग्जैक्टली। बाकी डैशबोर्ड भाई बहुत अच्छा है भाई, बहुत बड़ी प्यारा है भाई, बहुत प्यारा, इंडिकेटर्स के लिए भी अच्छा है, स्पीड गियर्स। मुझे अभी चेक करना पड़ेगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, बट भाई ऑनेस्टली गाड़ी ना प्यार है, इसको कॉन्सेप्ट पे तो काम कराना ही कराना है, ये कुछ ज़्यादा बड़े लग रहे हैं बट कंफर्टेबल भी, इनके वजह से वाइब्रेशन हाथों में कम लगेगी भाई, गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है यार, और ब्रेक क्या स्मूथ है भाई, प्यार हो गया। ये थोड़ा सा नीचे है, ये शायद इसको बोलना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए, ये बराबर सेट नहीं है क्लच का, क्लच काफ़ी नीचे हो रखा है। सीरियसली भाई गाड़ी तो ये है भाई, भाई भी पता नहीं कौन सा गियर चल रहा है, ये आई थिंक फिफ्थ था, सिक्स वो फोर्थ था भाई, फक फोर्थ में 126 थी भाई, भाई ये आराम से 160 तो आराम से जाएगी, आराम से ओपी भाई गाड़ी, ओपी भाई। हाँ मिरर प्लेजेंट तो है यार, मिरर में इसके वाइब्रेशन है ही, ऑल तो जो मैं देख रहा था हमारी गाड़ी में भी है, बट स्मूथ मतलब नॉर्मल स्पीड में नहीं, हाई स्पीड में है भाई, गाड़ी कंप्लीट पैकेज है भाई, कंप्लीट। अब भाई से चलो रिव्यू लेते हैं भाई, पूरा भाई रिव्यू बताएगा क्या कितनी गली, कितने हॉर्स पावर से क्या क्या है भाई साहब, सब भाई बताएगा। और शॉकर तो इतने अच्छे हैं ना भाई, गड्ढे पता ही नहीं लग रहे इसमें। चलो भाई भाई के पास पहुंचते फिर कर